हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। आज का हमारा जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने पार्ट वन आपको पहले ही पढ़ा दिया है। आज हमने दो टॉपिक करने हैं जो हमारे उस दिन रह गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज और अप्रोप्रिएशन। एज ए चार्ज और एज ए अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है, हम इस चीज़ को पहले समझते भी हैं और उसके बाद हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। एज ए चार्ज का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमने प्लस वन में पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड अभी प्लस टू में आपको आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले आपको इन दोनों अकाउंट्स में डिफरेंस का पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हर फर्म में, मतलब एवरी टाइप ऑफ बिजनेस में प्रिपेयर होता है। मतलब इसमें क्या होता है, बिजनेस एक्सपेंस होते हैं जो भी हम सारे रिकॉर्ड करते हैं, और बिजनेस की इनकम जो भी होती है हम वो रिकॉर्ड करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, ओनली पार्टनरशिप डीड अप्लाई करनी होती है हमने। मतलब अगर पार्टनर कोई एज ए एक्सपेंस के रूप में हमसे कोई बेनिफिट ले रहा है तो वो रिकॉर्ड करना है, या हम पार्टनर से कोई इनकम के सोर्स पे कोई पैसा ले रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया या कोई फाइन हो गया, तो हम अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए अप्रोप्रिएशन ही ट्रीट होता है। हमने मतलब जो पहले दो टॉपिक किए हैं वो अप्रोप्रिएशन के ही हैं। अगर हमारी डीड में लिखा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, इवन इफ देयर इज ए लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा ही लगेगा, चाहे बिजनेस को, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, तो उस केस में हम इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, एज ए चार्ज बोलते हैं। मतलब तो इसका उल्टा हो गया अप्रोप्रिएशन में। अगर फर्म लॉस से सफर कर रही है, मतलब अगर पार्टनरशिप बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा इन केस ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि अप्रोप्रिएशन है या एज ए चार्ज है? तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, आपको नॉर्मली लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज इतने परसेंट, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं गिवन है, तो आपने उसको अप्रोप्रिएशन मानना है। और अगर आपको स्पेशली लिखा हुआ है कि अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज इफ इवन इफ देयर इज ए लॉस, तो आपको समझ लेना है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एज ए चार्ज वाला है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम इसको एग्जांपल के साथ करेंगे। मैं आपको एक बुक में क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें वो वाले टॉपिक भी आएंगे जो हमने कल पढ़े थे और आज वाले टॉपिक भी आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे इन्वेस्टेड कैपिटल 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो हम साथ साथ में इसको सॉल्व भी करते जाएंगे। कहते ए एंड बी बोथ आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या दिया हुआ है इन्होंने क्या दिया हमें, केसेस दे दिए। कहते कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। नीचे दिए हुए सभी केसेस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो इन्होंने पहला केस दे दिया। पहला केस क्या दिया, कहते इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, द रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 8,000। कहते डीड है जो साइलेंट है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टूडेंट्स, अगर
पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई। जब पार्टनरशिप डीड बनी तो है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करोगे। तो डीड साइलेंट है, हमें दिया हुआ है, डीड साइलेंट है, इसी वजह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाना, और जो प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो रेशो हमें गिवन है। रेशो कितनी गिवन है? 3:2। तो 8,000 प्रॉफिट है और हमने इसे डिवाइड कर देना है 3:2 में। तो 8,000 इंटू 3/5 1600, 4800। उसके बाद आ गया 8,000 इंटू 2/5, जे आ गया 3200। तो ये हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, कहते इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर वर 7500। अगर पूरे साल का प्रॉफिट तो है 7500 एंड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी आपको लगाना है कितना, 5% पर एनम का। तो हमें दो चीजें दी हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो अब हमने क्या करना है, ये भी हम पहले करके आए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। 1,00,000 का 5% करेंगे कितना आ गया 5,000 एंड 50,000 का कितना आ गया 2,500। तो हम दोनों को टोटल करेंगे, 7,500 बन गया। 7,500 ही प्रॉफिट है और 7,500 ही हमारा एक्सपेंस हो गया, तो हमारा प्रॉफिट कितना रह गया, जीरो। तो अगर जीरो आपका प्रॉफिट आ रहा है तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर माइनस में जा रहा होता, वैसे आगे आएगा क्वेश्चन, हम उसे देखते हैं, तो बेसिकली आप इतना ही समझ लो, अगर आपका प्रॉफिट और आपका एक्सपेंस दोनों इक्वल है, मतलब आपका प्रॉफिट और लॉस जीरो आ रहा है, तो आपने इसको यहीं पे छोड़ देना है। तो हमारा केस नंबर सेकंड भी हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया टोटल ये, ठीक है, और हमने ये प्रॉफिट ले लिया। उसके बाद आ गया केस नंबर थर्ड। थर्ड नंबर केस में वो हमें क्या दे रहे हैं वो भी हमने देखना है। वो बोले इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 9,000। थोड़ा सा चेंज किया, सेम ही ऊपर वाली स्टेटमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 5% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले हमने कैलकुलेट कर ही रखा है कितना, 5,000 एंड 2,500, मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया 7,500। अभी हमारा प्रॉफिट कितना है 9,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 7,500। हमारे पास बैलेंस कितना बच गया 1,500। तो 1,500 का हमने क्या करना है, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 900 एंड 1,500 इंटू 2/5 600। तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एंड ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था भी जो प्रॉफिट हम डिवाइड करते हैं पार्टनर्स में उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो तीन चीजें ये हो गई और ये हमारा केस नंबर थर्ड कंप्लीट सॉल्व हो गया। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में, इसीलिए मैं थोड़ा सा तेज करवा रहा हूँ इस टॉपिक को। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है हमने वो साथ में देखना है, उसको हमने हमको इन्होंने क्या दिया है उसमें देखो, इस स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दिया, इस केस में हमें दिया, वो बोले इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000 और हमारा जो लॉस है वो कितना आ रहा है 6,000 आ रहा है। देखो हमें पता है इस चीज का कि हमने हमें पता है कि
हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के अकॉर्डिंग कितना बन रहा था, 5,000 and 2,500। लेकिन हमारी फर्म ऑलरेडी लॉस में है, मतलब हमारी फर्म ने ऑलरेडी 6,000 का लॉस ले रखा है, तो अगर हम इसे भी माइनस करेंगे तो हमारा लॉस और बढ़ जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में सिंपली लिखा हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, तो उन्होंने क्या दिया हुआ है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं दिया। उसके बाद दिया लॉसेस फॉर द ईयर 6,000। उन्होंने नहीं लिखा भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा ही लगेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या मानना है इसको, इसको हमने क्या मानना है, इसको हमने अप्रोप्रिएशन मानना है। अगर हमने अप्रोप्रिएशन मानना है तो अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज नहीं करेंगे, तो जो लॉस है लॉस को हम रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 6,000 × 3/5, 6,000 × 2/5, मतलब ये आ गया 3,600 एंड ये आ गया 2,400 हमारा लॉस, लॉस टू ए एंड लॉस टू बी, ठीक है। ये हमारा केस नंबर था 4।